आगी भाई यार, फाइनली कल हमने देखा एनिमल का टीजर और आज देखा है गणपत का टीजर। दोनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं रणवीर कपूर मास्टर ऑफ द बॉलीवुड, शाहरुख खान के बाद जिसका नंबर आता है, क्या कहोगे रणवीर सिंह को लेकर? रणवीर कपूर क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी है, एक बात होती है अपने में कि 15 साल मेहनत करने के बाद 2009 अजब प्रेम की गजब कहानी, सावरिया में भूल गया हूँ, मुझे मूवी पसंद नहीं आई थी, खाली वो एक टावर वाला स्टेप याद है। जब से तेरे नैना सुपरस्टार का टैग मिलना, सुपरस्टार रणवीर कपूर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कपूर खानदान में तो ऑब्वियसली है ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स, लेकिन यहाँ पे रणवीर कपूर का संजू वाला जो क्लीन शेप लुक है वो अच्छा लगा मुझे। उसके बाद में बियर्ड लुक में जो आया ना भाई, ऐसा लग रहा था बब्बर शेर बाहर निकल गया भाई, मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि बस अभी नेशनल टूथब्रश जो बाजू में चलती होंगे, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है वो। तो ठीक है, कुछ लोगों की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है वो। नेशनल टूथ ब्रश बोलता हूँ मैं उनको, रश्मिका मैम, रश्मिका मंदाना, यस। तो ठीक है, उनके कंपैरिजन में रश्मिका मैम कुछ लगी नहीं है, अभी आगे जाके जब ट्रेलर आएगा थोड़ा जरा उनका भी दिखाएगा तो ठीक है। हमारे अनिल कपूर, छगास, अरे उनकी तो सदा बाहर है वो, तो कहाँ बूढ़े होने वाले। उनका भी इसके अंदर काफ़ी, उनके पापा का रोल किया है उन्होंने, तो अब देखते हैं कि बाप बेटे कैसा इसके अंदर एक दूसरे को संभालते हैं। और इसके अंदर एक और एक चीज़ भाई मैं बोलना चाहूँगा, देओल फैमिली के चिराग, बॉबी देओल, यस, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में यदि अकेला लग रहा था कि मतलब बॉबी देओल को दिखाएगा ही टीजर में, बट नहीं दिखाया गया, मुझे भी ऐसा लगा कि बॉबी सर का है, लेकिन जब टीजर एंडिंग वेंडिंग होने पर वो छुरी लेके जब आते हैं, बोले करण देओल, राजवीर देओल, अंदर आओ एक्टिंग सिखाता हूँ, वो एक अलग लुक था उनका। लेकिन अब जैसे एनिमल का तो छोड़ो, हो ही गया यार फाइनली, बट अगर अब आज बात करें, हम आज आया है ए गणपत, उसके बारे में क्या कहोगे? बेटर कौन सा लग रहा है दोनों में से? आप गणपत के बारे में क्या कहोगे पहले तो ये बताओ। गणपत के लिए तो देखो यार, उसकी टाइगर श्रॉफ का तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ यार, 2014 से लेके अभी तक का मैं उसकी सारी मूवीज देखता हूँ, और हमेशा मैं उसकी मूवी ऐसी होती है कि बहुत सी ऐसी कम मूवीज जैसे फ्लाइंग जेट है, मुन्ना माइकल है, वो एक से दो बार, वरना काफ़ी मैं उसकी पिक्चर 9 से 10 बार तो मैं थिएटर में देखता ही देखता हूँ, अब मोबाइल्स में अलग हो जाती है। तो टाइगर श्रॉफ में यहाँ पे जो हीरोपंती 2 के बाद से जो यहाँ पे अभी दिखाया गया, जो लुक्स है, स्टंट है, एक्टिंग है और जो डायलॉग डिलीवरी है वो अलग ही लेवल का दिखाया गया। मतलब बेस में जो डायलॉग बोले ना, जब अपन के फैमिली पे आती है ना तो अपन की हट जाती है, छोटी बच्ची हो गया। बिग बी का भी बहुत बड़ा, यस, से गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन सर, डायलॉग डिलीवरी बहुत भारी, अरे उनका तो अलग ही लेवल है। जब तक तुम्हें हमारा योद्धा नहीं आता कोई जंग नहीं करेगा, यस यस यस, उनका वो जो बेस वाला डायलॉग है, ऐसी थोड़ी ना एंग्री यंगमैन का उनको जो खिताब मिला है, इतने सालों से वो बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, तब रियल डॉन। अब कृति सेनन भी दिख रही है तुम्हें लड़ते हुए, यस, लेडी ब्रूसली, लेडी ब्रूसली काफी अच्छी लग रही है उसके अंदर, क्योंकि लास्ट उनकी मूवी आदि पुरुष में जो हम देखे थे माँ सीता का जो रोल, वो कई एंगल से लग नहीं रहा था, शहजादा में भी वो शहजादी लग नहीं रही थी कार्तिक आर्यन के साथ, लेकिन अब यहाँ अच्छा खासा डायरेक्टर विकास बहल, अच्छे डायरेक्टर है, उनके अंडर में मूवी कर रहे वो लोग, ठीक है। अब देखते हैं, मे भी अब तो सिर्फ खाली टीजर आया, मैं तो वेट करता हूँ कि दोनों फिल्म्स का ट्रेलर आना चाहिए। तो अगर अब बात की जाए दोनों टीजर की कंपैरिजन में, तो आपको कौन से टीजर ने ज़्यादा इम्प्रेस किया, एनिमल जानवर? मुझे या देखो गणपत? मुझे एनिमल का टीजर ठीक ठाक लगा, लेकिन रणवीर कपूर का जो लुक है और बॉबी सर का जो लुक है वो अलग ही लेवल पे लगा, और टाइगर श्रॉफ तो अभी मतलब ये कुछ ज़्यादा ही दमदार लग गया मुझे इसके अंदर, क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी थी, और अमिताभ बच्चन सर दिख गए तो उसके आगे कौन क्या किसको देखने वाला है फिर, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, अक्टूबर एक दिसंबर, हाँ 20 अक्टूबर को गणपत है, देन उसके आगे फिर दिसंबर पाती है, लेट्स सी, चलिए आगे, थैंक यू।